बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ी थी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर नंबर 8 में स्टडी किया था। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 9 में पॉलीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, दो डिस्ट्रीब्यूशन ये आपने पढ़ी थी। वो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन थी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। आपने उसमें देखा कि आप एग्जैक्ट नंबर्स की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, जबकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके इंटर पार्ट टू का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें ये हमारे पास की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कौन सी है? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हम एरिया फाइंड करेंगे, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, हम कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का एरिया फाइंड करेंगे। तो वो हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थी दोनों, ये हमारे पास कौन सी है? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। नाम इसका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपका जो इंटर पार्ट टू का एग्जाम आता है, इसमें ये इसका कितना पोर्शन होता है। आपके पास जो एमसीक्यूज होते हैं, 3 एमसीक्यूज इसमें से आते हैं इस चैप्टर में से। उसके बाद 5 शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि 10 नंबर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, जो कि पार्ट ए बी पे डिपेंड कर रहा होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन? मैंने बताया आपको कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक फंक्शन होता है, जैसे कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थी आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक फंक्शन था जिसको हम क्या कहते थे? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो जैसे कि यह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डिस्क्रीट हुई तो क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कंटिन्यूस है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसको हम पी ऑफ एक्स के साथ लिखते थे, जिसका फार्मूला था एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। इसमें कंटिन्यूस हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई सिग्मा स्केयर का होल स्केयर रूट इंटू एक्सपोनेंट की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्केयर। ये एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्केयर ये मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2 के साथ, और ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन एक्सपोनेंट की पावर में है। ये एक्सपोनेंट जो है वो सारे का सारा मल्टीप्लाई हो रहा है इस फ्रैक्शन के साथ। इसमें कुछ हमें अननोन नजर आ रहे हैं, जैसे कि एक्स है, एक्स हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास है नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल या नॉर्मल रैंडम वेरिएबल आप कह सकते हैं। एक्स क्या है? नॉर्मल वेरिएबल है। इसमें म्यू क्या है? म्यू हमारे पास होगा मीन, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी होता है। तो हमारे पास ये क्या है? म्यू क्या है? हमारे पास मीन। उसके बाद आपको सिग्मा स्केयर नजर आ रहा है, वो क्या है? हमारे पास वेरियंस। ये म्यू था, एक्स माइनस के आगे जो है नोटेशन वो कौन सी है? हमारे पास म्यू था जो मीन है, और ये जो नीचे है सिग्मा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अगर सिग्मा स्केयर हो तो वो हमारे पास क्या होता है? वेरियंस होता है। तो सिग्मा स्केयर हमारे पास क्या हुआ? वेरियंस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देखना हो तो वो आप क्या कर सकते हैं? उसका स्केयर रूट, वेरियंस का स्केयर रूट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या होगी? क्योंकि हमने कोई एरिया अगर फाइंड करना है तो कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज भी होगी, जैसे कि बाइनोमियल की 0 to n तक जाती थी। इस डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या है? हमारे पास -∞ to +∞ ये रेंज आ गई। मैंने पहले बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इसकी प्रॉपर्टीज आप कह लें कि सारी की सारी इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज है, मतलब कि मीन इसका क्या है? म्यू है। वेरियंस क्या है? सिग्मा स्केयर है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होगा। रेंज इसकी -∞ to ∞ होगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है? आप लिख सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी शेप किस तरह की है? इट इज अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप बनेगी वो क्या होगी? बेल शेप्ड होगी। और इसमें आपके पास जो टोटल एरिया होगा, ये मैं बता देता हूँ, टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। देखें, ये हमारे पास थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप। ये हमारे पास जो है ये है नॉर्मल कर्व। ये क्या है? नॉर्मल कर्व। तो ये जो
नीचे एरिया है सारा इधर से इधर तक एक्स एक्सिस पे, हमने अगर ये नॉर्मल कर्व ड्रा किया डाटा के साथ, तो ये हमारे पास ये सारे का सारा एरिया जो है नॉर्मल कर्व के नीचे, ये इसका टोटल एरिया कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। इसलिए हम ये लिख रहे हैं कि टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। उसके बाद पहले मैंने बताया कि ये बेल शेप, ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है ये बेल की तरह की, इसलिए इसको बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। इसके बाद होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह की, मतलब कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है। फर्स्ट ईयर में आपने देखा था कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वो राइट टेल्ड होती है, और नेगेटिवली स्क्यूड जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो लेफ्ट टेल्ड होती है, और एक होती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है जो इस तरह, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये ना ही पॉजिटिवली स्क्यूड है कि इस तरफ जा रही है, और ना ही नेगेटिवली स्क्यूड है कि इस तरफ जा रही है, ये हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, इसकी पीकनेस कम या ज्यादा हो सकती है डाटा के हिसाब से, तो वैसे ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगी। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी कौन सी क्या होती है, हम जब लिखते थे कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल है तो हम उसको कैसे लिख सकते थे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होती है प्रॉपर्टीज, के हमारे पास मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड हो तो हमारे पास क्या होता है। ये आपको बताया गया था फर्स्ट ईयर में कि अगर पॉजिटिवली स्क्यूड हो तो मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड होता है, अगर नेगेटिवली स्क्यूड हो तो मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड, और ये सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, म्यू के इक्वल, क्योंकि ये सारे इक्वल हैं आपस में, इसलिए सबको एक ही नोटेशन दी जा रही है म्यू। मीन भी म्यू है, मीडियन भी म्यू है, मॉड भी म्यू है। अगर हम इसको शेप पे देखें तो ये किधर एग्जिस्ट करता है, आप देखें अगर मॉड होता है, मॉड क्या होता है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, वैल्यूज होती हैं जो डाटा के अंदर आ रही हैं, तो सबसे ज्यादा वैल्यूज किधर आ रही हैं, ये वाली, ये पीक पॉइंट ही है हमारे पास, तो ये मीन भी इधर ही है, मीडियन भी इधर ही है, और मॉड भी इधर ही है, ये म्यू आपको नजर आ रहा होगा। मीन मीडियन मॉड सारे इधर इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, जितना एरिया इस लेफ्ट साइड पे है उतना एरिया ही राइट साइड पे होगा आपके पास, तो इसलिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड होगा, जिसको हमने किसके इक्वल लिख लिया, म्यू के इक्वल लिख लिया। उसके बाद अगर मैक्सिमम ऑर्डिनेट का आपको क्या देता है कि फाइंड करें, उसके बाद अगर आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट का क्या देता है कि फाइंड करके दें, मैक्सिमम ऑर्डिनेट क्या होगा कि आपके पास मैक्सिमम पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम पॉइंट भी आपको यही नजर आ रहा है कि अगर हम ये एक्स की वैल्यू में म्यू जो भी हमारे पास मॉड होगा या मीन होगा या मीडियन होगा उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, मैक्सिमम पॉइंट आएगा। इसका हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमेशा किधर होगा, एक्स इज इक्वल टू म्यू पे, मतलब कि हम जब भी मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करना चाहेंगे इस फार्मूला से जो आपके पास पीडीएफ है, इसको पीडीएफ भी कहते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, पीडीएफ कह सकते हैं आप, लिख सकते हैं। तो जब एक्स की जगह जिधर जिधर एक्स है उधर उधर हम म्यू, एक्स इज इक्वल टू म्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑर्डिनेट। देखें जब इसमें म्यू पुट करेंगे तो ये सारी की सारी टर्म ऊपर वाली जीरो हो जाएगी, एक्सपोनेंट का पावर की पावर जीरो क्या होता है मेरे पास, हमारे पास 1 होता है, तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट में सिर्फ यही फ्रैक्शन में बचती है, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट हो सकता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूट किसी भी डाटा का, मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी आ गया। उसके बाद हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि इसमें अगर आपने फाइंड करना, मीन भी हो गया, वेरियंस भी हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो गया, अगर आपने क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं, क्वार्टाइल्स कौन से होते थे, आपको पता था कि अगर डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाते थे, क्वार्टाइल्स, तो उसमें लोअर क्वार्टाइल भी होता था, मीडियन जो हमारे पास मिडिल क्वार्टाइल होता था उसको हम मीडियन कहते थे, और लास्ट हमारे पास होता था अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल अगर हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, लोअर क्वार्टाइल को हम लिखते किसके साथ हैं, Q1 के साथ, Q1 इज इक्वल टू, इस चैप्टर में हम उसको एक्स 0.25 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास किधर एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट 25% एरिया जो हमारे पास होता है लोअर क्वार्टाइल का होता है। तो ये हमारे पास कैसे आ सकता है कि मीन में से अगर हम माइनस कर दें 0.6745 सिग्मा, अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर क्वार्टाइल आ जाएगा। इसी तरह सेम
अगर अपर क्वार्टाइल हमने फाइंड करना हो तो अपर क्वार्टाइल को हम क्या बोलते हैं, Q3, Q3 इज इक्वल टू, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल हमारा 75% एरिया पे होता है, तो इसलिए हम इसको x 0.75 कर लेते हैं। म्यू इसमें चेंज क्या होगा, ऊपर वाले में जो लोअर क्वार्टाइल है उसमें म्यू -0.6745 सिग्मा, और जो अपर क्वार्टाइल है उसमें म्यू +0.6745 सिग्मा आ जाएगा। अगर आपने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, क्वार्टाइल डेविएशन को हम लिखते हैं QD इज इक्वल टू, ये होगा अगर आप x 0.75 में से ये जो आपके पास है अपर क्वार्टाइल अगर इसमें से माइनस कर दें, अगर हम इसमें से माइनस कर दें लोअर क्वार्टाइल माइनस कर दें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन को लिखने का एक और तरीका क्या है हमारे पास कि QD या एक फार्मूला कह लें, अगर हमारे पास सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2/3 सिग्मा, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे आएगा, 2/3 सिग्मा के साथ। उसके बाद हमारे पास अगर मीन डेविएशन हम फाइंड करना चाहें किसी भी, अगर वो दे दे हमारे पास सिग्मा दे दे, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दे, तो हम मीन डेविएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, मीन डेविएशन होगा मी MD, उसको लिख लेते हैं हम इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा। ये फार्मूले हैं इसके, क्वार्टर डेविएशन और मीन डेविएशन का हमारे पास ये फार्मूले हो सकते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल एरियाज भी होते हैं, वो आपको क्वेश्चन में ही मैं बताऊंगा। इसके बाद अगर हमें स्क्यूनेस और कर्टोसिस इसकी बतानी हो कि स्क्यूनेस क्या होते हैं और इसकी कर्टोसिस क्या होते हैं, स्क्यूनेस से पहले हम मैं मूवमेंट्स का बता दूं कि मूवमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि उसी से हमने फाइंड करने होते हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस मूवमेंट्स, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम क्या बोलेंगे कि ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स आर जीरो। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हमेशा क्या होंगे, ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स, मतलब कि म्यू वन फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन, फिफ्थ मूवमेंट अबाउट मीन, ये सारे क्या होते हैं, जीरो के इक्वल होते हैं। तो मतलब इसमें हमारे पास क्या हुआ कि अगर हम फाइंड करना चाह रहे हो म्यू वन, अगर ये हमने फाइंड करना है तो ये हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन मीन हमेशा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। इसके बाद अगर हमने फाइंड करना हो म्यू टू, मतलब म्यू टू का मतलब क्या है कि हमारे पास सेकंड मोमेंट अबाउट मीन क्या होगा, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन क्या होगा हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर हमारे पास क्या था, वेरिएंस। अगर सेकंड मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करना है तो हमेशा ये किसके इक्वल होगा, वेरिएंस के इक्वल ही होगा। उसके बाद थर्ड मोमेंट अबाउट मीन क्या होगा, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन मैंने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट सॉरी ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा जीरो के इक्वल होते हैं। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन भी जीरो हो गया, थर्ड भी जीरो हो गया, फोर्थ, यूजली हम फोर्थ मोमेंट ही फाइंड करते हैं फर्स्ट फोर मोमेंट्स, तो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन क्या होगा हमारे पास, थ्री सिग्मा की पावर हो गया हमारे पास 4। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन 0, थर्ड भी 0, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन वेरिएंस के इक्वल है, और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन हमारे पास किसके इक्वल होगा, 3 सिग्मा की पावर 4। ये हमारे पास आ गए मोमेंट्स। इसके बाद अगर हमने स्क्यूनेस फाइंड करनी हो, स्क्यूनेस क्या होती है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, सिमेट्रिकल है, हमें ये तो पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, सिमेट्रिकल है। तो ये हम इसे चेक कैसे कर सकते हैं, हमें पता है स्क्यूनेस को हम किसके साथ लिखते हैं, बीटा वन या बी वन आप लिख सकते हैं। बीटा वन इज इक्वल टू म्यू थ्री का स्क्वायर, इसका फार्मूला था म्यू थ्री का स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय क्या होता था हमारे पास, म्यू टू का क्यूब, म्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू टू का क्यूब होगा हमारे पास। तो ये अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें, म्यू थ्री का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, जीरो, जीरो का स्क्वायर कर लें तो समथिंग ओवर जीरो हमेशा हमारे पास क्या होगा, जीरो ही होगा। उसके बाद अगर कर्टोसिस हमने फाइंड करने हो, कर्टोसिस कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको हम लिखते हैं बीटा टू के साथ, कर्टोसिस को की नोटेशन क्या होती थी हमारे पास, बीटा टू या बी टू आप लिखते थे,
तो इसका हमारे पास क्या होता है, म्यू की पावर 4, सॉरी म्यू 4 फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है इसमें म्यू 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें दोनों मोमेंट्स को यूज करके, फोर्थ मोमेंट और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर अगर हम करें तो सिग्मा 4 कट जाएगा तो हमारे पास 3 रह जाएगा। और हमें पता है फर्स्ट ईयर में हमने इंटरप्रेट किया था इसको क्या कि बीटा 1 अगर 0 के इक्वल हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है, अगर बीटा 2 इज इक्वल टू 3 हो तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी हमारे पास क्या होता है कर्टोसिस मेसोकर्टिक होता है जो कि सिमेट्रिकल होता है। ये हमारे पास थी कुछ प्रॉपर्टीज थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।